कॉर्नर की हम बात कर लेते हैं। 104 बनाए उन्होंने 93 बॉल्स में, 11 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। वॉर्नर आज बड़े इफेक्टिव साबित हुए इस टीम के लिए, और स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि एक एंड से मिशेल मार्श जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद डेविड वॉर्नर ने जैसे एक्सेलरेट किया इनिंग को, वो काबिले तारीफ है। और वॉर्नर का 100 आया आज ये, और एक ऐसा मैदान था जिसपे की छोटी बाउंड्रीज थी, बट उन्होंने अच्छा यूज किया। दिल्ली वालों का दिल जीता एक बार फिर से इन्होंने पुष्पा बनके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम लोग बात करते हैं इनका सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग है, मैच झुकेगा नहीं साला, और आज भी उसी तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है, और क्या कमाल बल्लेबाजी की है। बात यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की भी करनी जरूरी है मोनू, क्योंकि 399 तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है ये पारी। 44 गेंदे, 106 रन, 240.91 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके, 8 छक्के। इस बल्लेबाज के बारे में क्या कहेंगे यार? यार वो कहते हैं ना, साडा हक एथे रख, क्या पारी है यार। मतलब 44 गेंदे, 106 रन, इससे बेस्ट पारी मैंने नहीं देखी यार। हर तरफ शॉट खेले इन्होंने, और इनका अच्छा मुझे ये लगता है कि ये गेंद को ना, जो कहते हैं ना बिल्कुल स्लोग से, वहां से भी उठा उठा के छक्के मार रहे थे यार ये। मतलब किसी भी गेंदबाज की लाइन और लेंथ को टिकने नहीं दिया, एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के देखने को मिले अरुण जेटली स्टेडियम में। अंकिता भी हमारे साथ है। अंकिता, ये पारी मैक्सवेल की, आज मैक्सवेल छाया यार, एक ऐसा तूफान आया दिल्ली में कि कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया। देखिए मैक्सवेल के हमने मतलब सिक्स की बात की, वो आज देखने को मिला क्योंकि आंखें तरस गई थी उनकी इस पारी को देखने के लिए। हम जानते हैं कि लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने दिल खुश कर दिया। और रही बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को, हम बहुत कम आंक रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये कमबैक, तगड़ा कमबैक है, और इसी कंगारू में अच्छा, एकदम होता है। एक चीज और हम बता दें आपको, सबसे तेज सेंचुरी आई वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल की, सिर्फ 40 गेंदों पर आज। इससे पहले एडन मार्कम जो कि साउथ अफ्रीका कैप्टन है, उनकी 49 बॉल में आई थी अगेंस्ट श्रीलंका 2023 में। उसके पहले अगर देखें तो केवन ओब्रायन ने बनाए थे 50 गेंदों पर वो इंग्लैंड के साथ 2011 में, लेकिन आज देखिए वर्ल्ड कप एडन मार्कम इसी वर्ल्ड कप में 49 गेंदों में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर, यानी कि दिल्ली रास आ रहा है बल्लेबाजों को बिल्कुल, और खासकर विदेशी बल्लेबाजों के लिए। देखिए एडन मार्कम साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, आज ग्लेन मैक्सवेल। और देखिए वर्ल्ड कप में 6 शतक लगा चुके हैं डेविड वॉर्नर, यानी कि सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर चुके हैं डेविड वॉर्नर। एक शतक और लगाएंगे तो यहाँ पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। और जिस लय में डबल सेंचुरी, मतलब बैक टू बैक सेंचुरी आई उनके बल्ले से, तो डेविड वॉर्नर उनका पुष्पा अवतार फिर से देखने को मिला, और सेलिब्रेशन वैसे ही करते हैं चिराग। बिल्कुल, लेकिन ये मैक्सवेल की पारी देखिए आप, जिस तरीके की उन्होंने शॉट खेले हैं आज, क्योंकि हर एक शॉट खेला उन्होंने, हर एक तरफ, ऐसा नहीं कि यार वो सिर्फ ऑफ साइड में ज्यादा शॉट खेले, उन्होंने बैकफुट पे अच्छे शॉट खेले, उन्होंने फिर पुल अच्छा खेला, उसके बाद फिर आड़े टेढ़े शॉट बहुत अच्छा मारते हैं ये रिवर्स। आज कितने शतक लगे हैं? आज 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, 3 तीसरा किसका? अच्छा जी, बास डिलेडे ने भी शतक लगाया, लेकिन उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन 115 रन दे दिए यार अंकिता। वाह वाह, मतलब ये मुझे लगता है इतिहास पन्नों में लिखा जाएगा इनका नाम, इनको तो याद रहेगा कम से कम। मतलब वो किताब जब खोलेंगे ऑस्ट्रेलिया मैच की तो कहेंगे यार वॉर्नर और मैक्सवेल ने शतक तो लगाए हैं, लेकिन शतक मैंने भी लगाया था, 115 रन दिए। बात लीड़े आज का दिन भूल जाना चाहेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ लोगन वैन बीक ने अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर 74 रन, ऐसी विकेट पे 4 विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए। मोनू ये बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं मानता हूँ। आर्यन दत्त की गेंदबाजी, 1 विकेट उन्हें भी मिला, 7 ओवर 59 रन उन्होंने दिए। लेकिन आज जो पूरा दिन था ना, जो पूरा मेला लूटा है, वो ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वॉर्नर ने लूटा है। बिल्कुल, लास्ट वाला मेला तो ज्यादा अच्छा लगा, लास्ट वाला बिल्कुल। मैक्सवेल ने मतलब सामने वाले गेंदबाज को रुकने ही नहीं दिया। पारी लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की भी पारी शानदार थी, अगर आप देखेंगे 62 रन 47 गेंदे ये लाबुशेन की पारी थी, और अगर आप स्टीव स्मिथ की पारी पर भी नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर नासी उन्होंने बनाए 62 गेंदों का सामना करते हुए, 9 चौके 3 छक्के लगाए। तो आज ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, ये जब हम कहते हैं कि 400 बनते हैं तो उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि एक एक बल्लेबाज की बहुत बड़ी पारी आ गई, एक बड़ा शतक आया, नहीं, रन सभी बल्लेबाजों से आए। बिल्कुल, स्मिथ बैक इन फॉर्म, क्योंकि कैसा खिलाड़ी देखिए, स्ट्रगल कर रहा था फॉर्म के साथ, लेकिन आज देखिए नीदरलैंड ही हो बट 79 आए हैं 62 बॉल्स में, 9 चौके लगाए 3 छक्के लगाए, इन्होंने भी अच्छे शॉट लगाए। अगर आप इनका वैगन व्हील देखोगे तो 70% रन के स्कोर द विकेट आए हैं, तो स्क्वायर लेग पर उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं आज। फिर भी कहना पड़ेगा कि इनका जो मिडिल ऑर्डर था एक बार थोड़ा सा मुश्किल में फंसा, चाहे जोश इंग्लिश हो, स्टीव स्मिथ हो, मैक्सवेल हो, इनके बल्ले से रन नहीं आए थे, लेकिन आज देखिए मैक्सवेल की का 100 आया, स्टीव स्मिथ के 79 आए, मानस लेबुसन के 62 आए, अब स्कोर जो है 400 का हो गया है। यही होता है मोनू की टीम गेम, यही होती है। और डेविड वॉर्नर जो कि लगातार फॉर्म में है चिराग, और हर बार इन्होंने खुश किया है, लेकिन आज जो है वो टीम गेम देखने को मिला, चाहे वो मैक्सवेल के बल्ले से हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ के बल्ले से हो, हर
किसी ने अपना योगदान दिया, अब आसान जीत होगी और आसान जीत भी होगी और पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी टेंशन में होगी यहाँ पर, वो रिप्लेस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, कौन आएगा चौथे, क्योंकि तीन स्पॉट तो लगभग पक्के माने जा रहे हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये तीनों टीमें लगभग तय मानी जा रही है। चौथे की लड़ाई थी, पाकिस्तान नहीं चाहती कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने अपने मैच जीते, लेकिन यहाँ पर मतलब वो बाबर आजम भी क्लोजली देख रहे होंगे इस मुकाबले को, वो भी मतलब परेशान हो गए, और रन रेट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 399 का लक्ष्य 400 का लक्ष्य दिया है, तो मेरे हिसाब से तो नीदरलैंड की टीम जो है वो सस्ते में निपट तो फिर आपके विकेट्स भी गिरते हैं, तो यहाँ पर नेदरलैंड्स की टीम किस शुरुआत के किस सोच के साथ आएगी, अगर बड़े शॉट्स लगाने हैं तो खतरा रहेगा विकेट्स का रहेगा, लेकिन देखिए छोटा मैदान है, रिस्क तो लेना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप रिस्क लेके चलिए, और ठीक है 8 रन का एवरेज है, लेकिन इनके पास भी अच्छे खासे बैट्समैन हमने देखा है, इलेंगवेट पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली, 70 रन बनाए थे, और ऊपर से भी विक्रमजीत सिंह है, मैक्स डियोड है, वो भी अच्छा बैटिंग करते हैं, फिर बास डिलीडे एक इनके अच्छे खासे प्लेयर है, तो आई थिंक उम्मीदें रहेंगी इस टीम से। बास डिलीडे गेंदबाजी से शतक लगा चुके हैं, अब बल्लेबाजी से भी लगाने की जरूरत है, और इस रन चेज में सबसे बड़ा नाम आप कैसे भूल सकते हैं, कॉलिन एकरमैन, जो इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, उनके इर्द गिर्द ये पूरी बल्लेबाजी रिवॉल्व करती है, बट इनकी डेप्थ है बैटिंग में, वंडर भर भी रन बनाते हैं, इनमें खास बात है कि नंबर 8 तक बैट्समैन है, तो अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए इनको, जो मैचेस जीते वो गेंदबाजी की बदौलत ज्यादा मैं मानता हूँ, कि वो जो मैच जीता साउथ अफ्रीका वाला या और भी मैचेस में जो क्लोज फाइट दिखते हैं वो गेंदबाजी, इनकी स्पिन खास तौर पर अच्छी खासी नजर आती थी, लेकिन इस तरीके से आज तो फिर जब मैक्सवेल और वार्नर का दिन होता है ना, तो फिर गेंदबाजी कोई भी हो, तो कोई भी साइड हो वो आप ये रुक नहीं देंगे किसी को। देखिए मैक्सवेल का जोश आज बड़ा हाई था और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले कई मैचों से वो उनका खराब फॉर्म था, लेकिन आज देखिए रंग में आए हैं, और क्या खूबसूरत रंग में आए हैं आज यार, दिल्ली वाले सारे खुश हो गए इनके छक्के देख देख के, आज दिल खुश कर दिया इन्होंने, वो जो पुष्पा वाला सेलिब्रेशन किया वार्नर ने, पूरा दिल्ली मतलब खड़े होकर ताली बजा रहा था स्टेडियम में, और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में, सेंचुरी 6 सेंचुरी हो गई उनकी, तो डेफिनेटली उनका ये सेलिब्रेशन बनता भी है, और हर बार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैक्सवेल के बल्ले से हमने वो फॉर्म नहीं देखी थी, लेकिन आज इन्होंने क्या खाकर आए थे चिराग, देखिए हालांकि चिराग जी हमारे बड़े व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ आंकड़े निकालते रहते हैं, लेकिन अंकित एक बात तो यार 240 का स्ट्राइक रेट है, आप ये देखिए 250 का स्ट्राइक रेट, ठीक है सामने नीदरलैंड ही हो बट रन तो तभी बनाने पड़ते हैं आपको, लेकिन आज देखिए इनका स्ट्राइक रेट आप अमेजिंग था, और किसी भी गेंद चाहे स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज हो हर किसी के खिलाफ उन्होंने रन बनाए, और थर्ड हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं आप इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, 332 रन हो गए हैं 5 इनिंग्स में, और 2 क्रूशियल शतक इस 5 मैचों में आए हैं, 332 हो गए, और विराट कोहली 354, डेविड वार्नर के, क्विंटन डिकॉक सबसे पहले, क्विंटन डिकॉक तो मतलब वो तो जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तो तीन शतक हो चुके हैं, तो यार मतलब लड़ाई अच्छी होने वाली है, टॉप रन स्कोर यार 2 ही मान लो, 174 बनाए थे कल, वो डबल जैसी ही थी यार, बिल्कुल 4 भी कह सकते हैं आप उनकी, क्योंकि कल किसी को लगा था सबको कि 200 बना देंगे, लेकिन क्विंटन डिकॉक, फिर उसके बाद शायद विराट कोहली हैं, और नंबर 3 पर डेविड वार्नर, शायद नहीं डेफिनेटली विराट कोहली ही, बिल्कुल 54 विराट कोहली के हैं और 332 हो गए हैं वार्नर, 311 रोहित शर्मा के हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 विदेशी और 2 भारतीय बल्लेबाज टॉप 5 पे, बात है हमारे विराट है, हमारे रोहित भी है वहाँ पर, नंबर 4 पर रोहित शर्मा भी है वहाँ पर, चिराग पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान पॉइंट टेबल पे नंबर 5 पर है अभी, नंबर 6 पर अफगानिस्तान आ गई है, तो नीचे जाता रहेगा अब तो नीचे, आज तो मतलब फेरबदल बहुत बड़ा होगा, उलट फेर हम बात करते हैं ना, और रन रेट की बात करें तो रन रेट के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी चौथे स्थान पर थी पॉइंट टेबल पे, तो शायद चौथे पर ही रहेगी 8 अंक तो कर नहीं पाएंगे, अगर जीतते भी तो 6 अंक ही कर पाएंगे, चौथे नंबर पर ही रहेगी, लेकिन वो नेट रन रेट जो है वो प्लस में आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ये है कि उन्होंने मैचेस कम खेले हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 5 मैचों में 2 जीत है, अब इनके 4 मैचों में 2 जीत, अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो फिर 5 मैचों में 3 हो जाएंगे, फिर वो पकड़ना हाथ उनका आएगा नहीं, उनके पकड़े मुझे ऐसा लगता है, ऑस्ट्रेलिया भाग रही बहुत तेज आगे, अब क्या पाकिस्तान पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी मुझे लगता नहीं वो पकड़ पाएगी, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी थोड़ी सी ना इस बार बहुत वीक नजर आ रही है, आज आज इन्होंने अपना सारे बल्लेबाजों ने तो अपना प्रदर्शन कर ही दिया, चाहे वो डेविड हो चाहे मैक्सवेल हो, हर किसी ने अपना प्रदर्शन किया है, तो सामने पाकिस्तान के लिए चुनौती भी बहुत तगड़ी हो गई है, लेकिन चिराग कैसे पकड़ सकता पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को यार, मतलब अब यहाँ से पाकिस्तान के मुकाबले भी तो देखे ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा, इंग्लैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ बचा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचा, बांग्लादेश, चार बचे हैं, उसमें से एक ही आप मानते हैं कि बांग्लादेश जो जीत सकती है पाकिस्तान की? तीन तो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। नहीं, एक कौन सा, बांग्लादेश वाला नहीं, थोड़ा मैं सबसे खतरा उससे है, क्योंकि देखो जो टीम सबसे नीचे होती है ना, हम तो डूबे सर हम आपको भी ले बैठेंगे, तो वो टीम ही छोड़ेगी आपको बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है पक्का, वो तो कर दे काम। अब हो सकता है न्यूजीलैंड से जीत जाए, लेकिन बांग्लादेश से नहीं जीतेगी, चाहे लिख लो मेरे से। नहीं, न्यूजीलैंड से तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, हरा सकते हैं, लेकिन देखिए आप साउथ अफ्रीका ने किससे उम्मीद की थी नीदरलैंड हरा देगा, लेकिन नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया ना। हम कहते हैं ना कमजोर टीम है ये, भाई नीदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका को हराया, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बांग्लादेश से बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो डेंजरस साइड है भाई, अब डेंजरस होगी वो। अभी तो पॉइंट्स टेबल पे वो 10वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, और आज का मुकाबला अगर अगर क्या जीत ही जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो तब भी वो नंबर 4 पर ही रहेगा। अभी भी अगर मगर तो रहेगा यार, देखो नीदरलैंड के साथ पंगा नहीं ना, मैं कहूंगा ये अच्छी टीम है।